हाय दोस्तों, हम लोग आज सिलसर लेक में हैं अलवर। मैं कैंपिंग करने आया था अपने कुछ दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, और बहुत ही प्यारी जगह है। सबको मैं ये लोकेशन शेयर करूँगा एंड यहाँ ज़रूर जो भी लोग कार कैंपिंग करते हैं, कैरावैनिंग करते हैं, दे शुड कम हेयर, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगा यार, नेचर को ना थोड़ा समझो। अगर आप नेचर में आके, क्योंकि हम लोगों आके यहाँ पे बहुत सफाई करी है, लेकिन उसके बावजूद इतना गंद है कि वी जस्ट गॉट टायर्ड। तो इसलिए हम जो जो कर पाए हमने वो करा इन 3 दिनों में। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप में से कोई भी अगर इधर आ रहा है, प्लीज़ कीप ट्राई टू कीप द प्लेस क्लीन, एंड ऑल्सो कि अगर किसी और का भी पड़ा हुआ है उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ग्लव्स लेकर आइए, बड़े डस्टबिन बैग्स लेकर आइए और उसको क्लीन करिए। अब चलते हैं हमारे कैरावैन टूर की तरफ। ये कैरावैन हमने कन्वर्ट करी है 10 महीने में, और बहुत मेहनत, टाइम, दिमाग, हर चीज़ लगा है इसके अंदर। तो मैं डेफिनेटली शुरू में एक और चीज़ आपको फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम आपको लेके चलते हैं अपने कैरावैन टूर की तरफ। तो पहले हम आपको बाहर के फीचर्स दिखाएंगे जो कि हमारे स्टार्ट होंगे इस तरफ से। तो पैसेंजर साइड पर हमारे क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले तो ये हमारा ऑब्वियसली एंट्री डोर है। उसके अलावा हमारे पास नीचे 2 टैंक्स हैं यहाँ पे नीचे, और इसमें से एक है हमारा ग्रे वाटर टैंक और एक है हमारा ब्लैक वाटर टैंक। वन इज़ फॉर द डर्टी वाटर एंड वन इज़ फॉर द पॉट वाटर। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने पॉट होल विंडोज़ दी हैं। सो बेसिकली ये जो विंडोज़ कंपनी की तरफ से लग के आती है वो हमने बंद करी, और हमने उसकी जगह पूरा MS की शीट से इसको बंद करके इधर हमने पोर्टल विंडोज़ दिए। बिकॉज हमारी अंदर जो थीम चल रही है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट रखा था, दैट्स अ नॉटिकल थीम, तो इसीलिए हम लोगों ने ये यॉट विंडोज़ इसके अंदर लगाई हैं। और ये इजीली बाहर से इस तरीके से आप खोल के, वेंटिलेशन भी आपको अंदर पूरी रहती है। इसी तरह यहाँ पे 3 विंडोज़ है, उस तरफ एक विंडो है जो हम अभी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे आएंगे हम, हमारा यहाँ पे एक हमने आउटडोर शावर भी दिया है, जिसके अंदर आपका हॉट वाटर सर्विसेज भी हैं, कोल्ड वाटर सर्विसेज भी हैं। यू हैव 25 लीटर्स ऑफ हॉट वाटर सर्विसेज फॉर द होल व्हीकल इनसाइड एंड आउटसाइड। सो ये इस तरीके से यहाँ पे की लग के खुल जाता है, हमने पहले से आपके लिए खोल के रखा था, और इस तरीके से ये शावर बाहर आ जाता है और ये यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद हॉट एंड कोल्ड जो भी आप यूज़ करें, यहाँ पे एक पॉज बटन दिया गया है। तो अगर आप इस पॉज बटन को नहाते हुए बंद कर, लाइक एक्टिवेट करेंगे, तो आपको यहाँ से इसको ऑफ नहीं करना, यहीं से यू कैन टेक मिलिट्री स्टाइल शावर्स। तो ये हो गया एक। उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमारा अभी, क्योंकि हम कैंपिंग करके आए हैं, कैंपिंग कर रहे थे, ऑन रूट थे, तो हमारा थोड़ा सा टैंक नीचे से गंदा हुआ पड़ा बिकॉज ऑफ द मड एंड ऑल। तो नीचे हमारा ये फ्रेश वाटर टैंक है जो कि 210 लीटर का है। टेस्ट करने के लिए फॉसेट भी दिया है, ड्राइवर को यूज़ करना है, किसी को भी बाहर एकदम से यूज़ करना है तो आपके पास हाथ के नीचे पानी रहेगा। फिर यहाँ पे इस टैंक को फिल करने के लिए, दिस इज़ अ हैच जो हम खोलते हैं, यहाँ पे हम अपनी पाइप कनेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन फिल आर टैंक। लगभग हमारा 210 लीटर पानी ऑलमोस्ट 15 से 18 मिनट में भर जाता है विद अ नॉर्मल फ्लो जो आपको विलेज एरियाज़ में या कहीं पे भी किसी के भी नल में मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से भी हमारी एंट्रेंस है, आगे से भी हमारी एंट्रेंस है, बट हमारी प्रेफर्ड एंट्रेंस जो है वो रेयर की रहती है, क्योंकि हमारा लेआउट ऐसा है कि हमारी एंट्रेंस रेयर से ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा खुली डुली आती है। अब इसके अंदर हमारा ये दोनों दरवाजे जो हैं ये पूरे खुलते हैं और ये इस तरीके से बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका दरवाज़ा बार बार आगे आएगा या कुछ। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको, अगर आपको पूरा नहीं करना तो आप ये भी लगा सकते हैं सो दैट आपके लिए इजी रहे। अब लगे हाथ में दरवाज़ों में भी बता दूं, क्योंकि उधर का मैंने खोल दिया, यहाँ का नहीं खोल के दिखाया आपको। तो एक दरवाजे में हमारी इलेक्ट्रिकल वायर है फॉर चार्जिंग, और एक के अंदर हमारी पाइप है वाटर फिलिंग के लिए, कि अगर आप कहीं पे भी हैं, आपको दिक्कत ना है, तो हमारे पास इसके अंदर 50 फुट की वाटर पाइप है रीफिलिंग के लिए। इसको हम करते हैं बंद, इसको भी हम करते हैं बॉडी के साथ इस तरीके से। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर। तो अंदर एंटर करते ही हमारा ये फुटस्टेप लगा हुआ है नीचे इस तरफ, ये हमारा फुटस्टेप है। इजीली आप इसमें चढ़ के आराम से अंदर आ सकते हैं। अंदर आते ही ये हमारा जो एरिया है, यहाँ पे ये हमारा डे लॉन्च सेटिंग भी है, ये हमारा डाइनेट भी है, और ये हमारा डबल बेड भी है। इसके अंदर हमारे पास 2 पीसेज हैं, एक बड़ा टेबल है जो कि आप आउटडोर यूज़ में भी ले सकते हैं, उसको इनडोर यूज़ में आप यहाँ पर फिटिंग के साथ लगा के
स्विवल टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो यहाँ पे जब बीच में आ जाता है तो इधर दोनों पीस लगा के हमारे वो बेड तैयार हो जाता है। उसकी जो एक्स्ट्रा गद्दियाँ रहती हैं वो हमारे ऊपर वाले बंक बेड पे रहती है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। आप अंदर आइए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है 90 लीटर्स का फ्रिज। दिस इज़ अ 220 वोल्ट फ्रिज और ये 90 लीटर्स का फ्रिज है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे हमारी अलमीराज हैं, ये खुल जाती हैं इस तरीके से। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, अभी आपको हम इस तरफ से भी एंगल से दिखाएंगे। यहाँ पे भी हमारी अलमीराज है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये स्टैंडिंग टेबल है, अगर आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना है, एक्सरसाइज, यू कैन यूज़ दिस ईजिली। ये हमारे हर जगह लैचेस लगे हुए हैं, सो यू जस्ट हैव टू ओपन द लैच। ये पुश फिटिंग है तो ये अपने आप बाहर आ जाता है। उसके अलावा ये लैच वापस लगा दिए। फिर हमारा यहाँ पे 25 लीटर्स का OTG ओवन है। दिस इज़ नॉट अ माइक्रोवेव, दिस इज़ OTG ओवन, जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस। हर कोई कैरावैन में माइक्रोवेव देता है, वी हैव नॉट डन दैट। सो बिकॉज हमें कुकिंग का शौक है, वी वॉन्ट पिज्जाज, वी वॉन्ट केक्स, वी वॉन्ट रोस्टेड एंड बेक स्टफ, सो हम इसीलिए इसको हमने इंस्टॉल करा है। इसको क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं इसमें बहुत हीट पैदा होती है, उसके लिए इसको आपने लैच को खोलना है। इसको आपने व्हाटएवर आपने जो प्रिपेयर करा है इसमें डालने के बाद, ऑन करने के बाद, टाइमर सेट करने के बाद, इसको आपने बाहर निकाल के यूज़ करना है। योर डिश इज़ रेडी, यूज़ इट, टेक इट आउट, थोड़ा ठंडा हो जाए, इसको वापस बंद करके और लैच लगा देंगे हम। अब थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हमारा यहाँ पे है पूरा कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल के अंदर सबसे ऊपर हमारे स्विचेस दिए हुए हैं, इधर ये जो हमारे जो गॉजेस दिए हुए हैं, सो अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा है ब्लैक, ग्रे, फ्रेश। इसके अंदर हमारा एक स्विच बोर्ड है 12 वोल्ट का, जो कि है DC का स्विच बोर्ड। ये हमारे नीचे वाले हैं 240 वोल्ट्स। ये सारा हमारा इन्वर्टर बेस्ड है, ये हमारा डायरेक्टली बैटरी से चलता है। हमने इसमें 48 किलो वाट की लिथियम बैटरी 200 एम्पावर की यूज़ करी है और दैट्स अ वेरी बिग बैटरी। हमारा 6000 वाट का इन्वर्टर है विच इज़ इम्पोर्टेड एंड इट्स अ स्मार्ट इन्वर्टर। सो स्मार्ट इन्वर्टर क्या होता है अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊँ, स्मार्ट इन्वर्टर वो इन्वर्टर है जो अपने आप कैलकुलेट करते हैं भी उसको सोलर पैनल से एनर्जी चाहिए या उसको ऑल्टरनेटर से एनर्जी चाहिए, या अगर आपने डायरेक्ट लगा रखे तो डेफिनेटली डायरेक्ट की जो सर्ज होती है, करंट होता है, वो ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप उसको पिक कर लेता है कि मेरे को वहाँ से लेनी है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कि एक्चुएटर रिमोट है। हमारी ये जो छत है ये यहाँ से कटी हुई है और हमारी यहाँ से कटी हुई छत 3 फुट ऊपर चली जाती है, वो हम आपको भी नेक्स्ट शॉट में दिखाएंगे। तो ये छत ऊपर जाने के बाद हमारे पास एक डबल बेड ऊपर है, एक डबल बेड नीचे है अभी तक। तो बेसिकली अब हमारा हम कंट्रोल पैनल के सामने खड़े हैं, हमने अपना एंगल चेंज करा है ताकि आप लोगों को दिखा पाएं कि हमारी छत कैसे ऊपर जाती है। तो हमने यहाँ से एक्चुएटर बटन को ऑन करना है, ये हमने एक्चुएटर ऑन करा एंड यहाँ से जस्ट ताकि आप लोगों को मूवमेंट नज़र आए, आई एम स्विचिंग ऑन द फैन एज वेल। ये हमारा ऊपर का फ़ैन एंड लाइट है, इससे एग्जॉस्ट फैन, एयर वेंट, इसको विंड फैन कहते हैं, जिसके अंदर एग्जॉस्ट एंड इन दोनों का लाइक एयर इन एंड एयर आउट दोनों ऑप्शंस होती है। तो हमारी ये जो छत है मैं ऊपर करने लगा हूँ एंड आप देखिए छत हमारी ऊपर जाने लगी। तो ये बेसिकली कॉर्ड्स हमने लगाई हुई है ताकि जो हमारा कपड़ा लगा हुआ है आसपास वो जो है जब हम बंद करें तो ये सारा का सारा हमारा कपड़ा अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली खिंच जाता है जब छत नीचे आती है। तो ये कॉर्ड्स अभी हमारी लगी हुई है तो मैं आपको छत उठा के दिखाता हूँ। अब हम लोगों ने अपनी छत जो है वो पूरी तरह ऊपर कर दी है, सो आई जस्ट टेल माई कैमरामैन कि वो आपको पूरा ऊपर का व्यू एक बार ही पैन करके दिखाएंगे। एंड आप लोगों को मैंने उस एंगल से अलमीरा दिखाई थी एंड सेटिस्फाइड नहीं था तो इसलिए मैं एंगल चेंज करके आप लोगों को, सो बेसिकली हमारे पास बहुत स्पेस है, लिटरली हम लोगों ने इसके अंदर एक इंच की भी जगह नहीं छोड़ी है। जो पॉसिबिलिटीज़ थी इस गाड़ी के अंदर स्पेस निकालने की स्टोरेज के हिसाब से वो हमने सब पूरी करी है। सो वी हैव स्पेस हेयर, वी हैव स्पेसेस हेयर अबव एंड देन इसके अलावा हमारे पास इस तरफ अगर हम आ जाएँ तो इस अलमारी में भी हमारे पास वी हैव स्पेस हेयर डबल शेल्फ। Then we have drawers. Again, we have to take out the latches. One drawer, two drawer, and ये वाला drawer हमने specifically shoes के लिए ही बनाया था,
तो हम यही सबको कहते हैं कि भी इसमें आप अपने शूज़ इजीली रख सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा ड्रॉअर है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम लोगों की किचन यहाँ पे है, ये पूरी हमारी जो काउंटर टॉप टेबल है, इट्स अ लाइव एज, ये एपॉक्सी की टेबल है। ये टेबल के साथ यहाँ पे हमारा सिंक आ जाता है। इस सिंक के अंदर काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, बिकॉज इंडियन हाउस होल्ड के अंदर सबके बर्तन थोड़े बड़े ही रहते हैं। हमारा फॉरेनर्स वाला हिसाब नहीं होता कि बर्तन कम के अंदर उनके खाने बन जाते हैं, हम लोगों के बर्तन थोड़े बड़े रहते हैं, इसलिए हमने थोड़ा डीप सिंक लिया है। तो ये ऐसे आ जाता है, एंड प्लस साथ में हमारा जो ये फॉसेट लगा हुआ है, ये फुलेबल है। इसके अंदर दो मोड्स हैं, अलग अलग, शावर मोड एंड नॉर्मल मोड। उसके अलावा ये इस तरह हम पूरा घुमा के, और इसको अगर नीचे पुल करेंगे तो ये बाहर भी चला जाता है इस तरीके से इसका। और मैं आपको इसका फ्लो भी चेक कराना चाहूँगा। ये हमने पंप ऑन करा और ये मैंने यहाँ से नलका चालू करा, तो इसके अंदर ये फ्लो भी है और ये फ्लो भी है। इसको आप अप डाउन करके पूरा क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे रैक्स दिए हैं। सो बेसिकली जो स्पाइस वाली शेल्स हैं, ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है, ये हमारा पूरा लाइक पूरा बैंडेड रहता है, तो ये हिलता नहीं है चलते हुए। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ज़्यादातर खाली ही रहता है। ये सारी डबियाँ हमारी जो मसाले की हैं, ये हम नॉर्मली, हमारी एक पैंट्री है जो कि लॉक के साथ आती है, इसका हमने लॉक खोला, हमने इसको पुल करा, तो हमारी ये जो ऊपर वाली मसाले वाली डब्बियाँ वो सारी इसके अंदर रहती हैं। बट वेन वी आर यू नो कैंपिंग और एनीथिंग, तो हम अपने जो भी हाथ के नीचे मसाले हैं वो सारे इसमें रखते हैं। उसके बाद फिर इस तरफ अगर हम किचन की और बात करें, सो अभी मैं आपको चिमनी भी चला के दिखाता हूँ। सो ये हमारी चिमनी है, इसके यहाँ से हमने इसको ऑन करा है, इसके नीचे भी लाइट्स हैं। ये लाइट हमारी LED स्ट्रिप है, विच इज़ इनफ, बट स्टिल अगर आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, रात को एकदम से हंगस ना, भूख लग गई, कुछ भी, तो आप इस लाइट को ना यूज़ करके सिर्फ ये वाली डिम लाइट यूज़ करेंगे, तो ये सिर्फ इतने ही एरिया में पड़ती है। सो इफ समबडी स्लीपिंग ऑन दिस बेड, जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको, इसकी आवाज़ सुनना, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और ये लाइक लिटरली जैसे घर की चिमनी काम करती है एक अच्छे ब्रांड की, उसी तरीके से हमारी ये RV की चिमनी है जो कि हमने इम्पोर्ट कराई थी। अभी ये मैंने 1 स्पीड पे चलाई है, तो इसकी साउंड सुनिए आप। अभी ये speed 2 है और अब ये speed 3 है। और इसकी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि हमने आउटलेट यहाँ पे दिया है, तो यहाँ बहुत तेज़ हवा आ रही है इस वक्त। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स कि अगर आप अंदर को कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे पॉपअप स्विच दिए हैं फॉर एनीथिंग, लाइक अगर आपको मिक्सी चलानी है, फ़ोन चार्ज करना है, XYZ कुछ भी करना है, तो ये सेंटर में हमारा ये स्विच है। ये स्विचेस हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल वाला लगाया है, इसी में डबल वाला मॉड्यूल हमने 2 जगह दिया है, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा एक मॉड्यूल और कहाँ पे है। एक मॉड्यूल पे हमारा ऑलरेडी स्पीकर जो है चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग पे लगा हुआ है, ये भी एक पॉपअप स्विच है। इसमें 2 स्विचेस हैं, तो इसमें आप एक बार में 2 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो किचन बनी हुई थी, मैं वापस किचन पे आऊँगा, इसके अंदर हम लोगों ने ये जितने भी हैं सब पे हम लोगों ने लैचेस दे रखे हैं, ताकि चलते हुए आपका कोई भी ड्रॉर हैवी हो जाता है सामान की वजह से, माउंटेंस पे आप टर्न लेते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर हम लोगों का ऊपर कटलरी वगैरह रहती है, ग्लासेस रहते हैं, इसके अंदर हमारी कप्स, मग्स, क्रॉकरी, प्लेट, सारा क्रॉकरी लाइक रिलेटेड स्टफ इसके अंदर आ जाता है, और कुकवेयर और सारे बड़े बर्तन ये बड़े वाले ड्रॉर के अंदर रहते हैं हमारे। चॉपिंग बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, नॉर्मल केटल हो गई, पैन्स हो गए, सारा कुकवेयर इसके अंदर हम रखते हैं। इसके अलावा हमने साथ में स्पेस दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम, ये बहुत आपको लगेगा बड़ी पतली सी जगह है, इसमें क्या सामान आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी जो हमारी डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी खासी है। इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह के बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी सामान निकालना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो बहुत ईजी रहता है। इसके अलावा हमारे पास इस सिंक के नीचे की जो जगह है, हमने इसको भी काम में लिया है टॉयलेटरीज रखने के लिए, कोई भी इस तरह का सामान रखने के लिए। डस्टबिन लगा हुआ है हम लोगों के पास, डस्टबिन इस तरह का है कि ये इधर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको खाली करने, तो इसको उठा के आप एक बटन दबाएंगे और ये जो है हमारा बाहर आ जाता है। आप इसको एम्प्टी करिए, वापस रखिए, एंड देन क्लोज। उसके अलावा इस तरफ हमारा जो है, ये आपको लगेगा एक स्टॉल टाइप बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक स्टॉल है, इट्स अ बाथरूम स्टॉल, वेट एरिया एज वेल, इट्स मेंट फॉर शावरिंग एज वेल। अगर आप फिट हो सकते हैं, यू आर स्लिम ट्रिम, तो आप इसमें भी नहा सकते हैं, एल्स हमने जो आपको दिखाया कि बाहर भी हमने प्रोविजन इस चीज़ का दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको अंदर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ, ये मैंने अभी
लाइट ऑन करी है, तो अगर आप आएंगे इधर, मैं आपके लिए इधर फैन भी ऑन करके रखता हूँ, तो अब आपको कैमरा मैन दिखाएंगे कि हमारा अंदर का सेटअप कैसा है। अभी हम इसको लाइट को ऑफ कर देंगे, फैन को ऑफ कर देंगे, सो दैट टू सेव एनर्जी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर कैंपिंग, कैरावैनिंग, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आजकल डिवाइसेस होते हैं उस दौर में हम, कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो डेफिनेटली यू हैव टू चार्ज थिंग्स। हमारा सेटअप बहुत बड़ा है, बट जैसे घर में बोला जाता है, पेरेंट्स टोकते आ रहे हैं कि उस कमरे की लाइट क्यों ऑन छोड़ दी, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरावैनिंग करते हुए। आपको जहाँ ज़रूरत है आपने वहीं की लाइट जलानी है, तभी आप एनर्जी सेव कर पाएंगे। आपको कुछ भी खुला छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आप ग्रिड सिस्टम पे नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, तो आपके पास एक लिमिटेशन है। आप उसको कंजर्व करके चलोगे तो आप ही यू नो यू विल गो विद अ हैप्पी ट्रिप, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा रॉ एरिया में हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं है, सोलर चार्जिंग है, सब कुछ है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास चार्जिंग ऑप्शन ये भी है, बिकॉज हम लोग जनरेटर नहीं देते, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हमारे ऑल्टरनेटर से हमारी पीछे की बैटरी भी चार्ज होती है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर 30-40% चार्ज हो जाती है। तो कभी अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में है, जहाँ पे आपकी बैटरी डाउन हो गई है एंड यू नो यू डोंट हैव इलेक्ट्रिकल पॉइंट, तो उस केस में आप गाड़ी को स्टार्ट करके भी हमारी पीछे की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। दैट्स वाई वी डोंट प्रोवाइड जेनसेट, एंड प्लस इको फ्रेंडली कह लीजिए जो मर्जी, लेकिन पॉल्यूशन होता है, तो हम डीजल का गाड़ी चला रहे हैं ऑलरेडी, तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ को कट डाउन कर सकते हैं उसको हमें कट डाउन करना चाहिए, एंड उसी की वजह से हम लोगों ने जेनसेट नहीं दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हमारी अगर आपको दिख रही हो जो डिज़ाइनिंग है, तो ये जो हमारी शेल्फ है, इसके अंदर हम लोग सारी अपनी स्टोरेजेस की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप 4 या 5 या 6 बंदे तक जा रहे हैं, तो सबके पास यू नो बहुत एम्पल स्पेस है, लाइक एक एक के अंदर इजीली एक एक बंदे का सामान आराम से आ जाता है। तो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये इस तरीके से, थोड़ा आपको लगेगा कि मैं खींच रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने टाइट ही रखा है इसका थोड़ा, क्योंकि चलते हुए कोई भी चीज़ खुलनी नहीं चाहिए है, तो ये इस तरीके से रहता है, एंड देन हम लोग ईजिली इसको आराम से बंद कर देते हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो हमारे मैग्नेट कैचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे ड्राइवर एरिया से किचन एरिया के बीच की, उसका लेआउट हमने इस तरीके से करा है कि ये हमारा एक सोफ़ा इस तरफ है, एक सोफ़ा हमारा इस तरफ है, दोनों सोफ़ा के साथ सीट बेल्ट आती है दोनों पैसेंजर्स के लिए जो इधर बैठ रहे हैं, तो टोटल 4 पैसेंजर हो गए इधर। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे बुकशेल्फ दी है, जो मार्शल का स्पीकर हमारा चार्ज हो रहा है उसकी डेडिकेटेड स्पेस ये है, वो साथ में ही आपकी बुकिंग के टाइम पे आपके साथ ही आता है। इधर भी हमारी ऊपर स्टोरेजेस हो गई। उसके अलावा हमारी गाड़ी में 6 स्पीकर्स हैं, एक स्पीकर ये है, एक स्पीकर ये है, 2 स्पीकर यहाँ पे हैं, 2 ड्राइवर के सर के ऊपर हैं, 2 जो हमने डे लॉन्जेस बनाए हैं ताकि अगर आप बाहर साइड पर बैठे हुए हैं तो उस तरफ भी हमारे स्पीकर्स हैं। उसके अलावा ये जो हम बता रहे थे आपको, ये हमारा सोफ़ा एरिया है, तो आप ट्रैवल करते हुए नॉर्मली इसमें सीट बेल्ट लगा के भी बैठ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसको अब बेड बनाना है या चलते चलते आपको रेस्ट करना है, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, यू वांट टू यू नो रिलैक्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इसको उठाएंगे और इस तरीके से ऊपर कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ वाले को भी उठाएंगे और ऊपर कर देंगे। तो अगर आप देख पाए तो इनफ जगह है, बिकॉज ये 6.5 फुट चौड़ी गाड़ी है। तो अगर मैं आपको लेट के दिखाऊं, माय हाइट इज़ 5'7" एंड मैं बहुत इजीली आ रहा हूँ, भी मेरे सर पे कुशन भी है, गैप है पीछे, बट स्टिल आई एम लाइक यू नो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो आप ट्रैवल करते हुए भी इसको बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे किचन के साथ एक, जिस तरह वहाँ पे स्टैंडिंग दिया था उसी तरह यहाँ पे भी पुश फिटिंग वाला ये हमारा टेबल है। आप इसको बेड बना के लैपटॉप काम करना है, कोई भी आपको क्लेरिकल वर्क करना है एक्सपेजेड, और एल्स किचन के साथ आपको लग रहा है कम स्पेस पड़ रही है स्टोव रखने के बाद, तो वो हमारा ये जो एक्सटेंशन है उससे हमें बहुत मदद हो जाती है। कोई चॉपिंग करनी है या कुछ भी एक्सपेजेड आपको एक्स्ट्रा सामान रखना है कि वहाँ पर जगह नहीं है या कुछ भी, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी गाड़ी में 1.5 टन का AC लगा हुआ है, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने उसकी प्लेसमेंट इस तरीके से रखी है, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ ऊपर हमारी डिस्प्ले है, मैं भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये अब मैंने AC को कर दिया ऑन, यहाँ से हमारा AC जो है 1.5 टन का वो कंट्रोल होता है। उसके ये ब्लोअर्स दिए गए हैं, एक ब्लोअर यहाँ पे है, एक ब्लोअर यहाँ पे है, एक ब्लोअर ऊपर बंक बेड के लिए है, एक ब्लोअर नीचे वालों के लिए है। तो जब ये गाड़ी आप कहीं पे भी कैंपिंग कर रहे हैं तब आप ये वाला AC ऑन कर सकते हैं,
और ये एसी क्या है कि ये ब्लोअर की तरह नहीं काम करता कि एकदम यू नो हवा फेंक रहा है। इसको आपको गाड़ी बंद करनी है 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर देना है एंड आपकी गाड़ी पूरी चिल्ड हो जाएगी। इसमें से बहुत स्लो हवा आती है बट वो धीरे धीरे आधे घंटे में पूरी गाड़ी को बहुत चिल कर देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ड्राइवर साइड की कैब एरिया की, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है। एक ये हमारी लैडर है जो कि फोल्डेबल है एंड विच इज़ वेरी यूजफुल। अभी के लिए हम इसको यहाँ रखेंगे। एंड अभी अगर हम बात करें, ये हमारी दो सीट्स हैं, एक ड्राइवर की है एक पैसेंजर की है। तो इफ़ पैसेंजर वांट्स कि जब आप कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे यू नो आप सारे बैठे हुए हैं, आपको एक बंदे को और बिठाना है, हमने इसको पुश करा और ये इस तरीके से हमारा चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पे हम चार लोग बैठे हुए हैं, पांचवा बंदा यहाँ पे इजीली रिलैक्स कर सकता है, आप चिल कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, कार्ड गेम्स बोर्ड गेम्स। तो एक इसका ये बहुत सही फीचर है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब हमें मान लीजिए हमें आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे यू नो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है एंड ड्राइवर अपने टेंट में नहीं सोना चाह रहा है या यू नो सेफ़ नहीं है उसके लिए सोना, तो उस केस में ड्राइवर अपना कैब एरिया आगे यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। प्राइवेसी कैसे मिलेगी, हमारा ये स्लाइडिंग प्राइवेसी कर्टन है जो कि आपने जब ड्राइवर अगर बाई चांस उसको अंदर सोना पड़ रहा है तो आपने ये बंद कर दिया। बंद करने से आपका पूरा आगे और पीछे का कट ऑफ हो गया। ये प्राइवेसी विंडो है, इसमें से कुछ आर पार नहीं नज़र आता, इसमें से सनलाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ और है। अब मान लीजिए आप बैठे हुए हैं यहाँ चिल कर रहे हैं और हाउस फ्लाइज हैं एंड एवरीथिंग, तो आपको उससे बचने के लिए यहाँ पे हमारा ये मॉस्किटो मेश है। इसके अंदर ये मॉस्किटो मेश लगा हुआ है तो इसमें आपका एयर ही रहेगा एंड कोई भी इंसेक्ट फ्लाइज बग्स कुछ भी अंदर नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर हम लोगों ने इसके अंदर डाला है जो कि बहुत यूज़फुल है। और जहाँ तक अब हम कैब एरिया की बात करें, हमने ड्राइवर के लिए भी प्राइवेसी रखी है और अगर ड्राइवर को नहीं सोना अंदर या अगर अंदर नहीं सो रहा वो एंड आप ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अंदर की स्पेस को और आप चाहते हैं कि आपको ये एरिया भी यूज़ करना है अपना लगेज रखने के लिए या कुछ भी एक्स्ट्रा रात को सोने के लिए, तो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे कर्टन रॉड्स लगा रखी हैं और ये इस तरीके से ये पूरा प्राइवेसी हमारी हो जाती है। तो एक कर्टन यहाँ से आता है, एक कर्टन यहाँ से आता है और ये वेलक्रो पे रहता है इस तरीके से, तो ये सेंटर में चिपक जाता है। तो बिल्कुल कंप्लीट आपकी प्राइवेसी हो जाती है, आपको कोई भी बाहर से ना देख सकता है और उस चीज़ की आपको टेंशन भी नहीं होती। एंड उसके अलावा ये पूरा एरिया हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम में रखा है। एक बात और कहना चाहूँगा, लोगों ने मुझे बहुत टोका कि सर आप टीवी नहीं दे रहे इसके अंदर, टीवी तो मस्ट है। मैं एक साथ साथ वी आर नॉट हेयर ओनली टू मेक कैरावैंस और रेंट आउट कैरावैंस, वी आर इवन हेयर टू टेल पीपल दैट व्हाट कैंपिंग एंड कैरावैनिंग मीन्स। टीवी के हक में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में हम लोगों का स्क्रीन टाइम ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। बच्चे जब आप कैंपिंग के लिए लेकर आएंगे और टीवी होगा तो आपको भी पता है कि आपके बच्चे सारे टाइम टीवी में ही रहेंगे, वो कुछ भी नेचर में एंजॉय नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन दी है और इस स्क्रीन पर हमारे 360 डिग्री चार कैमराज भी लगे हुए हैं कि अगर आप रात को सो रहे हैं और आपको कोई आवाज़ आती है, कोई जानवर एक्सपेजेड कुछ भी अगर आपको महसूस होता है, अगर आपको यू नो देखना है कि भाई बिना उतरे, क्योंकि गाड़ी आप लॉक करके सो रहे हो सो यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, आप यहीं से अपनी स्क्रीन पे चारों कैमरास का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं कि भाई आपकी सराउंडिंग में रात को क्या है, अगर कोई आवाज़ आती है एक्स वाई ज़ेड कुछ भी ऐसा है। उसके अलावा इसके अंदर हमारी सारी ऐप्स चलती हैं, यूट्यूब चलता है। तो हमने ये स्क्रीन सिर्फ इतनी सी इसलिए दी है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपको यूज़ करना हो तो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे चार एसी के वेंट्स हैं जो कि चलते टाइम ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे ड्राइवर हेड के ऊपर यहाँ पे हमने लाइट्स दे रखी हैं। और एक मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी जो लाइट्स लगी हुई हैं जितनी भी ये सीलिंग लाइट्स हैं ये हमारी इंपोर्टेड है, दीज आर मेड स्पेशली फॉर कैरावैंस। इस लाइट के अंदर फीचर ये है कि आपने जो मेन का इसका स्विच है वो ऑन कर दिया, उसके बाद आप जहाँ बैठे हैं आपको सिर्फ वहीं की जलानी है, तो आपने टच करा ये लाइट ऑफ हो गई। अब आप जहाँ पे भी अगर हमारी यहाँ 10 या 12 LEDs लगी हुई है ये वाली, तो आप मान लीजिए पीछे नहीं बैठे हैं, आप आगे ही बैठे हैं और आपको यू नो लाइट आगे ही चाहिए, तो आपने टच करा और इधर की ऑन कर ली, बाकी सारी आपकी ऑफ पड़ी, तो हमारी कंजम्पशन भी उस तरीके से बैलेंस हो जाती है। बाकी इसके अलावा हम लोगों की इस तरफ की साइड रह गई थी आप लोगों को दिखानी, वो मैं अब आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये सारी वैसे बताना चाहूँगा, ये जितनी भी हमारी वुड यूज़ हुई है इसके अंदर ये सारी पाइन की वुड है, दैट्स कैनेडियन इम्पोर्टेड वुड।
ये लाइट वेट रहती है, बहुत अच्छी यूज़ होती है। और इसके अलावा इसके नीचे जितना भी हमारे बोर्ड्स लगे हैं वो सारे हमने फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड केमिकली टर्माइट ट्रीटमेंट वाले लगाए हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है लॉन्ग रन में चीज़ें, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर्स में गाड़ी जाती है, मोल्डिंग के चांसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के चांसेस रहते हैं जो पीछे हो सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सबको, मटेरियल्स हमेशा अच्छे लगाइए इफ़ यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट, ताकि वो लॉन्ग रन में आपको एक बार पैसा लगेगा लेकिन दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि आप पहले हल्का लगा लेंगे और कल को वो विद इन टू ईयर्स यू नो आपके प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, देन आप उसको रिप ऑफ करोगे, फिर नया बनाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार, जहाँ एक लग रहा है वहाँ डेढ़ से ही, लेकिन एटलीस्ट चीज़ जो है आपकी वो वंस एंड फॉर ऑल परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ तैयार हो जाती है। इन गाड़ियों की लाइफ 10 साल की है, 10 साल में गाड़ी के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मटेरियल्स अच्छे लगे होंगे तो। उसके अलावा हमारी पूरी गाड़ी अच्छे से इंसुलेटेड है ग्लास वूल से, साउंड डैम्पनिंग हो रखी है, और हमारी यूट्यूब सीरीज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पे योडो कैंपस के नाम से, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी नॉलेज गेन होगी। अगर आप कैरावैन बनाना चाहते हैं या बनाने का सोच रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं बाहर और हम आपको दिखाते हैं कि बाहर से हमारा जो इस तरफ का हमारा जो ड्राइवर साइड का जो फीचर्स थे उसमें एक दो चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाएंगे, वो दिखानी आपको रह गई थी। तो इस तरफ अगर हम आए यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि उसमें पाइप रखी गई है, उसी तरह इसके अंदर हमारा वायर है विच इज़ ऑलमोस्ट 20 मीटर्स इन लेंथ। तो आपको ईजिली कहीं पे भी कोई अगर चार्जिंग पॉइंट दूर है तो आप ईजिली अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लॉक करेंगे, इसको हम वापस लगाएंगे। अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक और आउटलेट है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पानी का आउटलेट उस साइड पे। यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रिकल सॉकेट। तो जो ये वायर आपको दिखाई है वो सॉकेट इसके अंदर लगता है यहाँ पे, और आप ईजिली आराम से अपना डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पे आपको वो यू नो यू कैन पे देम एंड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वो आपको कहते भी आप पूरी रात लगा के रखो, दैट्स बेस्ट, क्योंकि आपका फिर आप फुल सिस्टम लाइक जैसे घर पे यूज़ करते हैं बिकॉज पीछे से सप्लाई आ रही है, आप बिल्कुल उसी तरीके से घर के तरीके से बिजली को यूज़ कर सकते हैं। स्टिल हमें कंजर्व करना चाहिए, बट ऑब्वियसली एज इंडियंस सबको जब यू नो मिल जाता है एक फैसिलिटी कि हाँ यार वी हैव इलेक्ट्रिसिटी जिसका हमें टेंशन नहीं लेनी, तो वो फिर आप फुल यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल दिया है, ये हमारी किचन थी अंदर की, उसके साथ ही हमारा टेबल था। तो इजीली अगर कोई बंदा बाहर यहाँ पे स्टोव रख के कुकिंग कर रहा है तो उस केस में आपको कुछ सामान चाहिए, आप अंदर कोई आपका खड़ा हुआ फैमिली मेम्बर फ्रेंड जिनके साथ भी आप आए हैं, आप उनको बताते हैं कि अभी मुझे ये चाहिए, आपको ईजी एक्सेस होता है, आपको बार बार अंदर नहीं जाना, आपको यहीं से सामान मिल जाता है और बहुत ईजी रहता है। हम लोगों ने यूज़ करा है, इट्स वेरी नाइस। उसके अलावा दीज आर हैलोजन लाइट्स, ये ऊपर जो हमने लगा रखी है, एक इस तरफ है सेम, एक उस तरफ है, एक पीछे है, तो ये रात को बहुत हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली जहाँ पे यू नो फैसिलिटी नहीं है लाइट्स की या कोई भी ऐसी बात है। ओके सो टेबल का मैंने आपको दिखाया, हैलोजन्स का मैंने आपको बताया, ये हमारी बाहर से लुक इस तरीके से आती है। अभी इस वक्त हमारी छत जो है वो उठी हुई है, हमारी छत के ऊपर 100-100 वाट के 6 पैनल्स हैं, जिसमें से 4 पैनल्स हमारे जो रूफ रेस करी हुई है उसके ऊपर है, 2 पैनल्स हमारे ये आगे हैं, बीच में हमारा जो है वो रूफ़ कैरियर लगा हुआ है। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, आप लंबे टूर पे जा रहे हैं तो आप अपना कोई भी सामान जो है वो ऊपर आप इजीली टाई अप कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी पॉट होल विंडो एक और है यहाँ पे, एंड देन अगर हम इधर बात करें ये हमारे कैमराज लगे हुए हैं, तो इसी तरह हमारे पीछे भी कैमरा है, उस साइड के लिए भी है, इधर के लिए भी है, आगे के लिए भी है, तो ये फुली सिक्योर्ड। अगर आप अंदर से ईजिली बाहर देखना चाहते हैं कि और है बिना बाहर आए तो आप वो कर सकते हैं, और दैट्स इट। बाकी मैं अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस चीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं जो मैंने बनाई है, आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिटेल्स हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को रेंट आउट करना चाहते हैं, यू वॉन्ट कि आप भी इस चीज़ को इंजॉय करें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर अवेलेबल फॉर सर्विसेज, एंड जो भी हमारी इंक्लूजन एक्सक्लूजन हैं वील शेयर दैट टू यू वंस यू गेट इन टच विद अस। अभी के लिए, आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे अब ख़त्म करेंगे वीडियो को, एंड आई होप आप लोगों को ये वैन टूर अच्छा लगा हो। बहुत टाइम से ये चीज़ जो आज मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को वैन टूर दे रहा हूँ, ये उस दिन से स्टार्ट हुई थी जिस दिन से मैंने अपना पेन और डायरी को पकड़ा था और अपनी प्लानिंग जो है वो करी थी सिर्फ पेपर पे। एंड देन जब हम लोगों का पेपर वर्क ख़त्म हो गया एंड वी फाइनली स्टार्टेड कि यार चलो अब इन्वेस्ट करके इसको स्टार्ट करें, दिस इज़ द आउटकम। आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आई होप कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यू नो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा पाऊँ।
एंड डेफिनेटली बी इन टच. जो भी लोग हम लोगों का कंटेंट अच्छा हमें अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है. आप यूट्यूब पे जाइए, हमारी चीज़ों को देखिए, हमने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया एंड देन क्या क्या करा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, सब कुछ अवेलेबल है. राइट नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एंड शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.